के शाहजहांपुर में पुलिस ने किसान यूनियन के नेता के खिलाफ धोखाधड़ी और 420 के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि किसान नेता अपनी दबंगई के बल पर लोगों से जमीन बिक्री के नाम पैसे की ठगी करता है और वहीं जमीन किसी दूसरे के नाम लाखों रुपए लेकर एग्रीमेंट करा देता है। पैसा वापस ना करना पड़े इसके लिए दबंग किसान नेता पीड़ित के खिलाफ कोर्ट से झूठे मुकदमे डलवा कर और धरना प्रदर्शन कर दबाव बनाता है। थाना रोजा इलाके के अटसलिया निवासी पीड़ित मोहित तिवारी का आरोप है, 3 साल पहले उसने उधार पैसे लेकर कांट थाना क्षेत्र के पिपरौला निवासी सुखबीर सिंह से जमीन का एग्रीमेंट कराया था। एग्रीमेंट के नाम पर 28 लाख रुपए नगद व बैंक द्वारा ट्रांसफर किए थे। कुछ ही दिन के बाद किसान नेता सुखबीर सिंह ने उसी जमीन का एग्रीमेंट संदीप शुक्ला से मोटा पैसा लेकर कर दिया। जब पैसा वापस करने के लिए कहा तो टालमटोल करता रहा। उसके बाद उसने न संदीप शुक्ला को जमीन दी न मोहित तिवारी को और दोनों का कई लाख रुपए बेमानी कर गया। दबाव बनाने के लिए दोनों के खिलाफ कोर्ट से झूठे मुकदमे कर दिए। 3 साल से पीड़ित लगातार थाना पुलिस कोर्ट के चक्कर काट रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंग नेता पीड़ित को लगातार धमकी दे रहा। ईमानदार एसपी अशोक कुमार मीणा से पीड़ित ने अपनी फरियाद की। पीड़ित की तहरीर पर एसपी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। 3 साल से मेरा पैसा घोट के बैठा है और बोला तुझे जो करना है कर ले। परिवार किस कंडीशन में तुम्हारा पहुंच गया? परिवार सर ऐसा है कि ये समझ लीजिए सर रोटी रोटी को दबाएं सर, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, मेरा पैसा सारा लूट लिया उसने। पुलिस प्रशासन से सर यही अनुरोध है कि हमारा सर जो है न्याय हमें मिल जाए और हमारा पैसा जो है वापस हो जाए।